खबर है, जानलेवा हुई लो फ्लोर बसें। खोड़ से रिको काटा जाने वाली लो फ्लोर बस में आग देखी गई है। टोंक रोड पर चलती बस में आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया गया है। आखिर कब होगी मेंटेनेंस करने वाली कंपनी पर कार्रवाई, ये बड़ा सवाल अब बना हुआ है। जयपुर से खबर है ये, जानलेवा हुई है लो फ्लोर बसें। खोड़ से रिको काटा जाने वाली लो फ्लोर बस में आग लगी और टोंक रोड पर चलती बस में आग लगी। अब सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं इस आग लगने के बाद से कि आखिर कब मेंटेनेंस करने वाली कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार यही तस्वीरें हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से किस तरह से चलती बसों में आग लग रही है। और हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि टोंक रोड पर चलती बस में आग लगी है, फायर ब्रिगेड ने समय रहते इस आग को बुझा लिया है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और अब जीरा दिशा ने सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब मेंटेनेंस करने वाली कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। सदा जानकारी के साथ रुक कर लेते हैं सहयोगी दीपक गोयल, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, ये बताइए, हम सवाल पूछ रहे हैं लगातार ऐसी कंपनियों के खिलाफ जो लापरवाही बरतती है, मेंटेनेंस करती है, इन पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि लगातार तस्वीरें हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि चलती बस में आग लग जा रही है। देखिए, ये 2018 के अंदर ही JCTSL के बेड़े के अंदर ये बस शामिल हुई थी और JCTSL की बसों का जो मेंटेनेंस कंपनी काम करती है उसको भुगतान JCTSL प्रबंधन की ओर से दिया जाता है, लेकिन इन बसों का मेंटेनेंस नहीं होने के चलते कभी ब्रेक फेल होते हैं और पेट्रोल पंप की दीवार में घुस जाती है, कभी वो आए दिन ही बीच रास्ते में रुक जाती है, तो कभी आगजनी की घटनाएं हो जाती है। ये जो बस है, ये आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, इसमें अचानक से धुआं उठने लगा। बस सवारियों से भरी हुई थी और कोर से रिको काटा जा रही थी। गांधीनगर मोड़ टॉप रोड पर ही चलती बस के अंदर अचानक जब धुआं उठने लगा तो सवारियों में खलबली मच गई। करीब 30 से ज्यादा सवारियां हैं वो इस बस के अंदर अपने यात्रा कर रही थी। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, मौके पर आई, आग बुझाने का काम किया और इसके अंदर जो पंप रखे हुए थे आग बुझाने के, उनसे इसको काबू का पाने की कोशिश की गई, लेकिन काबू तो पा लिया, लोगों की जान भी बच गई, लेकिन ये बसें लोगों की जान पर अब बनाई है क्योंकि मेंटेनेंस नहीं होने से। क्योंकि देखिए, अपनी यात्रा सुगम बनाने के लिए करीब राजस्थान जयपुर शहर के अंदर करीब 300 बसों में करीब 2.5 लाख यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं। ऐसे में ये बसें अब लोगों की मौत का भी सबसे बड़ी काल का ग्रास भी बनती जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों कई बसों से एक्सीडेंट हुए, बस के टायर में कुचल दिए, ब्रेक फेल होने से एक व्यक्ति की, कह सकते हैं कि बस के नीचे आने से कुचलने से व्यक्ति की जान भी यहाँ पर कुछ दिनों पहले चल गई। तो ऐसे में सवाल ये है कि जो मेंटेनेंस जो कंपनी काम कर रही है उस पर जैसी प्रबंधन जब भुगतान कर रहा है और इस तरह के हालात हो रहे हैं, तो फिर क्यों कटौती क्यों नहीं की जा रही है, क्यों उस कंपनी पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, सवाल तो खड़े हो रहे हैं। दीपक, बिल्कुल आपने सवाल सही खड़े किए हैं, लेकिन ये बताइए दीपक कि जिम्मेदारों से आपने बातचीत करी कि आखिर मेंटेनेंस क्यों नहीं करवा रहे या इंतजार कर रहे हैं बड़ा हादसा होने का? देखिए, जिम्मेदार तो खामोश है, जिम्मेदारों पर कोई जवाब नहीं है। जिम्मेदारों पर जवाब होता तो शायद अब तक इस कंपनी के ऊपर कार्रवाई कर दी जाती, कंपनी पर कार्रवाई कर दी जाती तो शायद आज ये नौबत नहीं होती, और कंपनी पर यदि कोई कार्रवाई की जाती तो शायद कंपनी है इन बसों का मेंटेनेंस अच्छे से करवा पाती तो ये नौबत नहीं आती। बारिश का मौसम है, उस समय आगजनी की घटना होना, धुआं उठना, सवारियों के भरी हुई बस में अचानक, और किसी यदि बड़ा हादसा यदि हो जाता तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना जयपुर के अंदर दिल दहलाने वाली हो सकती थी। लेकिन समय रहते आग पर धुआं को बंद कर दिया गया, दमकल या हम कह सकते हैं जो फॉर्म था उसके बंद कर दिया गया, लेकिन ये सब कुछ ठीक है, लोगों की जान बच गई, गनीमत है, लेकिन सवाल जरूर उठ रहे हैं JCTSL प्रबंधन पे, मेंटेनेंस कंपनी पर, साथ में कार्रवाई नहीं करने वाले अफसरों पर, क्योंकि JCTSL प्रबंधन पर कंपनी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दीपक, बिल्कुल सही कहा आपने और जानकारी भी आप लगातार साझा कर रहे हैं, तस्वीर भी हम देख रहे हैं। हालांकि गनीमत रही कि यहाँ पर कोई हादसा नहीं हुआ, समय रहते आग को बुझा लिया गया दीपक, लेकिन ये बताइए, आपने जैसे कि बताया, मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि जिम्मेदार आखिर मेंटेनेंस क्यों नहीं करवा रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं खामोश है, तो खामोशी के मायने क्या निकाले जाए, क्या कोई दबाव है उनको ऊपर से तब ये कार्रवाई नहीं की जा रही, या फिर कुछ और वजह? देखिए, कई बार ऐसी भी नौबत आई है कि JCTSL प्रबंधन कंपनियों को समय से भुगतान नहीं करता है। कंपनी जो निजी फर्म है जो बसों का संचालन या कर सकते हैं करते हैं, या उनके ड्राइवर्स हैं,
साथ में वो डीजल देती है और कुछ कंपनी दो फर्म है जी, देखिए इसके अंदर एक पारस है एक मातृश्री है, दोनों ही बसों का संचालन जयपुर के अंदर करके करीब 305 बसें हैं, इसमें मेंटेनेंस का भी काम है, उनको ड्राइवर भी देना है और उनको बसों का संचालन भी करना है, तो ऐसे में भुगतान तो करोड़ों रुपए का होता है, भुगतान होता है, भुगतान किया जाता है, लेकिन जब भुगतान नहीं किया जाता तो बसों को बंद करने का ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन मेंटेनेंस शून्य है, मेंटेनेंस शून्य होने के चलते जयपुर शहर के अंदर ये मोड बंद करके बसें हैं सड़कों पर तोड़ रही है। तो तमाम वजह जो है वो दीपक ने साझा करी है, कौन कौन से कारण बताए जा रहे हैं। दीपक बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए, और तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसा होने से टल गए यहाँ पर, क्योंकि आग को समय रहते बुझा लिया गया।